So I never intended or planned on making a YouTube channel because I always thought that YouTube is meant for Bollywood movies and trailers and songs. But right after college, I decided to make a video, like a 15-16 second video, because I had a joke in mind and I posted it on Facebook. I never had a YouTube channel then. So Facebook pe wo video share kiya, post kiya, and it got shared in Bangladesh and Pakistan, not India. So wahan se share hote hote wo video India mein aaya, and tab jaake logo ko realize hua, tab mujhe kisi ne bola ki aap ye sab cheeze YouTube pe bhi dal sakte ho. Tab I decided ki ek channel YouTube pe bhi banaya jaye. अभी थोड़ा क्लोज्ड है, थोड़ी कोजी कम्युनिटी है, अभी यूट्यूब की छोटी कम्युनिटी है, एंड जिस तेज़ी से बढ़ रही है, आई थिंक एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कंटेंट मिलने वाला है अपनी कंट्री को. आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर एनी क्रिएटर और आर्टिस्ट इज़ टू मेंटेन व्हाट यू अचीव्ड. मतलब कुछ अचीव करना आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग, बट उसको मेंटेन और सस्टेन करना इज़ आर्ट, एंड दैट्स सम आर्ट दैट पीपल हैव एंड सम पीपल डोंट. तो उसको अगर आपको कुछ मिल जाता है उसके बाद उसको सस्टेन करना एक चैलेंज रहता है हमेशा. और बाकी आर्टिस्टिक चैलेंज कुछ नहीं है, वो बीच में राइटर्स ब्लॉक आता है, वो एक छोटा मोटा चैलेंज रहता है, बट अदरवाइज जो बड़े चैलेंजेस में आता है वो ये है, सस्टेनेबिलिटी इज़ अ मैसिव चैलेंज. इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू मिलना आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि अपनी खुद में कंट्री में इतने सारे लोग हैं, तो पहले यहाँ थोड़े लोग जान लें, वही सबसे बड़ा चैलेंज है. और यहाँ सब जान लेंगे उसके बाद बाहर जाने का फ़ायदा है, रादर देन सीधा ही बाहर कूदी मारने का. तो इट्स बेटर कि यहाँ पर पहले कुछ खास किया जाए, उसके बाद इंटरनेशनल की सोची जाए. आई डोंट थिंक आई हैव एनी हॉप्स फॉर सम इंटरनेशनल एक्लेम. मैं डे बहुत कम दिखता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उठता दोपहर के 3 बजे, जब तक मैं चाय खाना लंच जब तक मैं ये सब करता हूँ तब तक शाम के 5 बज जाते हैं. फिर वो 5 से लेकर अगले सुबह 7 बजे तक उठा रहता हूँ, इसलिए मैं 7 बजे सोता हूँ सुबह और 3 बजे उठता हूँ. मेरा साइकिल पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि सारा काम जो मैं करता हूँ रात को करता हूँ. तो हाँ, रातों का बादशाह कह सकते हैं. नो, आई बाय चॉइस आई हैव चोजन दिस लाइफ एंड दिस जॉनर ऑफ यूट्यूब. पीपल टेल मी कि आपके वीडियोज़ में गालियाँ होती हैं, आप गालियाँ देते हो, कल को आपके बच्चे गालियाँ. मैं दें, बिल्कुल दें, गालियों से ही आगे बढ़ता है आदमी. कोई बिना गाली दिए तो सब बेवकूफ़ समझेंगे आपको और बेवकूफ़ बनाएंगे भी. आजकल तो सब आपकी टोपी पहनाने में लग जाते हैं. तो इट्स मतलब जो लोग कहते हैं कि आप गालियाँ देते हो वो थोड़े हिपोक्रेट हैं, क्योंकि आप भी देते हो, लेकिन मेरे में और आप में फ़र्क ये है कि मैं कैमरा पे देता हूँ तो आपको ऑफेंसिव लगता है. बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग एंड आई एम हैप्पी. डाउट तो हमेशा रहता है, हमेशा आज भी रहता है और रहेगा भी आगे. डाउट करना अच्छी बात है, खुद पर डाउट करना बहुत बढ़िया बात होती है. कभी प्लान नहीं था यूट्यूब बिल्कुल भी मेरे दिमाग में, और हमेशा ये लगता था कि कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा. ये सारे ख्याल आने लगे जब 20-30 वीडियो बन गए, उसके बाद थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया. वैसे शुरू मज़े में किया था, बट जब पहला पेचेक आया तब लगा कि अरे बाप रे, इसको सीरियसली कर सकते हैं आगे लाइफ में. तो बाकी और कुछ आता नहीं मुझे, एकेडमिक्स में मैं बेकार था एकदम, और बस म्यूज़िक और थोड़ा कॉमेडी का सहारा था. तो आई थॉट कि आई शुड वर्क ऑन दैट मोर एंड आई शुड पॉलिश दैट मोर, एंड तब जाके थोड़ा सीरियसली उसको परस्यू करना शुरू किया. आई थिंक ब्रांड डील्स दे एक्साइट मी अलॉट, बट अलॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम अलॉन्ग विद इट. एंड ये एक जो एक्सपीरियंस है मेरा ब्रांड्स के साथ काम करने का, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है. प्लस कैसे उनके साथ डील करना है, कैसे ऑडियंस तक उस ब्रांड इंटीग्रेशन को पहुंचाना है, और कैसे कंटेंट में उसको अमेलगमेट करना है उस ब्रांड को, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है.
guys, this is Bhuvan Bam and I can't wait to see you guys at the Entrepreneur India show which is happening in July. Vaha milte hain. See you soon.